बहुत अच्छा एक कम्बिनेशन होगा कि चौधरी साहब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी सांसद होंगे और मुझे आप विधायक बनाओगे, तो एक ऐसा एक चेंज बनेगी कि कोसली विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा, कोई कमी नहीं रहने। 10 साल का राज रहा भारतीय जनता पार्टी का, 10 साल उनके विधायक भी रहे, लेकिन क्या कोई काम हो पाया? हमें निराशा हाथ लगी है, जनता आज अपने आप में ठगासा महसूस कर रही है। अगर आपका वोट गलत आदमी और गलत पार्टी को चला गया तो 5 साल आपको पछताना पड़ता, अपने आप को ठगासा महसूस करते जैसे आज कर रहे हो। सरकार बनते ही बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा, जो आज 1100-1200 में बिक रहा है, हमारी माताओं बहनों को इस समस्या से निजात मिलेगी, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट भी देंगे और 3.5 लाख रुपए देकर के 2 कमरों का मकान बनाने का काम करेंगे। बहुत बड़े दिल से सोचो, हमने हुड्डा साहब की सरकार बनानी है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। जब दीपेंद्र जी का चुनाव था, हमने ईमानदारी से काम किया, सबने मिलकर के जोटा मारा, तो जब हमने सोनू जुगनू कहा करता जी आप निश्चिंत रहो चुनाव हमारा है, अब भाई ये चुनाव इनका है। 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और मैं आपके कोसली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा ने मुझे यहाँ से टिकट दे के भेजा है, उनके आशीर्वाद से मैं आपका उम्मीदवार बना और आप लोगों से हम सब मिल करके ये विनती करने आए कि आने वाले 5 तारीख को आप सब एकजुट होकर के आपसी मन मुटाव भुला करके और हमें अपना समर्थन दें, आशीर्वाद दें और गांव से ज्यादा वोटों से जिता के भेजने का काम करें, ताकि हरियाणा की विधानसभा में जाकर के मैं और चौधरी साहब के भूपेंद्र जी हुड्डा के नेतृत्व में उनकी सरकार बने और हमारे इलाके में विकास कार्य हो और सारी समस्याओं का समाधान हो। बुजुर्गों साथियों, आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आवाज आ रही है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा के नेतृत्व में बनने वाली है। जब सरकार बन रही है तो आपको भी उसमें अपना सहयोग करना चाहिए और जब आप मुझे विधायक बना के भेजोगे और सांसद जी भी हमारे अपने दीपेंद्र जी यहाँ से बनाए, यहाँ अपने चुनाव जिता के भेजा अभी, तो बहुत अच्छा एक कम्बिनेशन होगा कि चौधरी साहब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे, दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद होंगे और मुझे आप विधायक बनाओगे, तो एक ऐसा एक चेंज बनेगी कि कोसली विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा, कोई कमी नहीं रहने चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, वो हमारी सरकार 3 इंजन की बन जाएगी, इसलिए सारे राज आपके पास ही होगा, प्रदेश का और MP साहब का और विधायक का, तो ये बड़ा सुनहरी अवसर है हमारे लिए। आप लोगों को इन सब चीजों से ऊपर उठ करके इस बार सोचना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठना है। देखो बुजुर्ग और साथियों, मुझे बहुत लंबा अरसा होगा आपके बीच संघर्ष करते हुए, आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहा हूँ और आप देखो अहिरवाल में कोई और ऐसा नेता नजर आता है जो इतने साल तक बिना सत्ता में रहे आपके बीच में रहा हो, आपकी सेवा में रहा हो, आपके दुख सुख का साथी हो, हमेशा आप याद करो तो मैं खड़ा मिलूं, कोई और नजर आता आपको? इसलिए इस बार जोटा मारो और मुझे भी सरकार में भेजने का काम करो, ताकि मेरे मन में बहुत तमन्ना कि आपकी सेवा करूं मैं, तो राज में रह के सेवा कर सकते हैं, उसके लिए आप मुझे इस काबिल बनाओ और इस बार के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओ। अभी हमने 3 दिन दौरे किए हैं गाँव में, तो बहुत भारी उत्साह लोगों में देखने को मिला। जब मैं 1996 में यहाँ से विधायक बन के गया था, उस समय जो जोश था उससे भी ज्यादा जोश इस बार देखने को मिल रहा है और ये तो निश्चित हो गया है कि हमारी सरकार बनने वाली है
और मैं इसलिए हम ये चाहते हैं आप भी पूर्ण सहयोग करें, आशीर्वाद दें, हमेशा आप देते रहे। मुझे तो आपने हमेशा ही, जब मैं पहले चुनाव लड़ा, हमेशा आपने सहयोग किया है। मैं तो आपका बहुत आभारी हूँ, जिंदगी आभारी रहूंगा कि आपने जब भी मैं आया हूँ चुनाव में, आपने अपनी तरफ से मुझे पूरा समर्थन दे करके और सहयोग देने का काम किया है, जिताने का काम किया है। आज हालत ये है बुजुर्गो, 10 साल का राज रहा भारतीय जनता पार्टी का, 10 साल उनके विधायक भी रहे, लेकिन क्या कोई काम हो पाया? हमें निराशा हाथ लगी है, जनता आज अपने आप में ठगा सा महसूस कर रही। तो प्रजातंत्र में तो ये ताकत आपके हाथ में, जब आप अपना एक एक वोट किसी प्रत्याशी के पक्ष में डालते हैं उसी से सरकार बनती है। परंतु अगर आपका वोट गलत आदमी और गलत पार्टी को चला गया तो 5 साल आपको पछताना पड़ता है, अपने आप को ठगा सा महसूस करते हो, जैसे आज कर रहे हो। अगर आपका वोट योग उम्मीदवार को जाएगा, अच्छी पार्टी को जाएगा, तो जो सरकार प्रदेश में बनेगी उसमें आपकी हिस्सेदारी होगी और आपको लगेगा कि हमारी सरकार है। आपके इलाके का चहुमुखी विकास होगा, बच्चों को रोजगार मिलेगा, आपके लिए बिजली और पानी की व्यवस्था की जाएगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी और सम्मान मिलेगा। इसलिए प्रजातंत्र में जहाँ ये अधिकार है तो आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि आप योग्य उम्मीदवार को देख करके, अच्छी पार्टी को देख करके अपने मत का प्रयोग करें, समर्थन दें, ताकि प्रजातंत्र सुरक्षित रह पाए। इसलिए हम सब आपके बीच आए हैं। आपने जब मुझे अवसर दिया तो मैं आपके बीच रहा, आपकी सेवा की, और इस बार भी बहुत अच्छा संयोग है। और हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र आया वो भी बहुत अच्छा है। उस घोषणा पत्र के बारे में मैं आपसे बताता हूँ कि हम सरकार बनते ही बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे, एकदम 6,000 रुपये लागू कर देंगे। 300 यूनिट बिजली हर घर में फ्री होगी सरकार की तरफ से, 300 यूनिट। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा, जो आज 1100-1200 में बिक रहा है, हमारी माताओं बहनों को इस समस्या से निजात मिलेगी, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट भी देंगे और 3.5 लाख रुपये देकर के 2 कमरों का मकान बनाने का काम करेंगे, ताकि उनको समस्या ना आए। 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी है, वो सरकारी पद भरेंगे। आज तो सरकार कौशल रोजगार निगम के माध्यम से खुद ही ठेकेदार बन गई है, कच्ची नौकरी लगाती है और कच्ची नौकरी का कोई ज्यादा ना तो पूरा पैसा देते हैं, ना उसमें रिजर्वेशन होती है, ना मेरिट होती है। हमारी सरकार बनेगी तो जो लगे हुए उनको एडजस्ट करने के बाद बस सारे के सारे पद मेरिट के आधार पर पक्की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने तो अग्निवीर ला करके फौज की भर्ती भी बंद कर दी, फौज में हमारे बच्चे चले जाते थे, आज वो रास्ता भी रोक दिया है। इसलिए हमारी सरकार बनते ही, और हम पहली कैबिनेट में पास करेंगे कि अग्निवीर को बंद किया जाए और पक्की भर्ती जो पहले थी उसी तरह से फिर से शुरू की जाए। इसके अलावा और जो हमारे सांसद जी ने ये घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी, तो जैसे मानेसर में IMT है, जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, औद्योगिक क्षेत्र है, मानेसर पहले एक छोटा गांव ही था, एक और कुछ नहीं था वहां। जब से IMT बनी उसका बहुत विकास हुआ है, विश्व स्तरीय फैक्ट्रियां कंपनियां आई वहां, रोजगार मिला है और उस इलाके का विकास हुआ है, आमदनी बढ़ी है। उसी की तर्ज पे एक IMT हम यहाँ पे कोसली विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे, ताकि इस इलाके के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, दूसरे साधन भी मिलेंगे, कमाई बढ़ेगी, आमदनी के साधन होंगे और इलाके का चहुमुखी विकास होगा। इस प्रकार के सोच MP साहब ने दी है और हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में भी आ गया है कि हम कोसली में IMT बनाएंगे सरकार बनती ही। तो ये बहुत बड़ा काम है, इससे इलाके का चहुमुखी विकास होगा, ये बड़ा शुभ अवसर है। इसलिए सारे एकजुट हो जाओ, छोटी मोटी बात का क्या करना, बताओ। मैं आपका अपना हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आप बताओ। मैं भी आप, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं को राजा का बेटा हूँ क्या? मंत्री का राजा का थोड़ी हूँ, मैं तो थारा बेटा हूँ। इसलिए इन बातों को छोड़ो, सारे एक होकर जोटा मार दो, मैं उरे आ जाऊंगा थारकन और पूछ लें भाई की करवाणो। हुड्डा साहब की सरकार होगी, अपना राज होगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। तो इसलिए इन चक्रों में क्यों पड़ो सारे। मैं क्यों किसी से दूर नहीं। मैं एक बात और कह के जा रहा हूँ,
मेरे पास आने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कोई भी सीधा आके मेरे से मिल सकता है, 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले, कभी भी कोई आया आप आ जाओ, मैं शक्ल से ना पिछाण तो बता दो मेरे फलाना नाम से वो कहता है रियो काम से, फिर अगर आपको कोई शिकायत हो तो उसका मैं जिम्मेवार। तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़ के बहुत बड़े दिल से सोचो, हमने हुड्डा साहब की सरकार बनानी है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है कि भाई आप आओ और आकर के और सरकार बनाओ। आप बताओ, जब दीपेंद्र जी का चुनाव था हमने ईमानदारी से काम किया, सबने मिलकर के जोटा मारा, तो जब मैं सोनू जी को कहा करता जी आप निश्चिंत रहो चुनाव हमारा है, अब भाई भी ये चुनाव इनका है, अब ये देखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बुजुर्ग और साथियों, माताओं बहनों, मैं आपका अपना बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा, जब बुलाओ खड़ा मिलूंगा, कहीं चक्कर में मत आइयो, किसी का बताओ मत आओ, मेरे से नजदीक था कोई भी ना उसके, इसलिए सारे मिलकर के इस बार जोटा मार दो। और आप गांव में आने पर आपने हमारा जो स्वागत किया उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, गांव की तरफ से आपने मेरे सर पर जो पगड़ी पहनाई है उसके लिए वचन दे के जाता हूँ कि इस पगड़ी की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, इसका सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।